आप क्या तो हिलाए, नहीं तो ऐसे बैठा हुआ तुरंत। क्रैप है ना, क्रैप है। हाँ हाँ सही कह रहे, क्रैप नहीं क्रैप लग रहा है, अब लगा क्रैप डर रहा है ना। क्रैप तो ये भैया, ये थोड़ा जहर वाला है, वो देना जरा कुछ चीज। ये लो ना एक मिनट भैया, जरा कुछ चीज देना जरा, इसका मुंह देखना पड़ा, मुंह किधर को है, मुंह उसका ना वो साइड है, वो जो नीचे 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 से वो नीचे वो उसको कोबरा है, गलेर बता रहा जो तू ना कोबरा नहीं है। अरे हाँ मुंह नीचे है उसका, वही है। हाँ भैया मुंह वो है, नीचे नीचे खींच ले, पहले बाहर खींच ले, ये है ये नीचे बोलना, अगर उल्टे उल्टे काम करेगा कोबरा है। ये मुंह है इसका, बोला ये है इसका मुंह, बस नीचे आ रहा, ये इसका मुंह, देखो बोला अपना मुंह बोला। अरे मुंह तो नीचे है इसका, क्रैक है ये तो। साथियों ये क्रैत सांप है, अगर ये हिसाब से हमला कर रहा था, अगर ये काट ले तो आदमी की मौत निश्चित है, क्योंकि कोबरे से भी ज्यादा इसके अंदर जहर होता है, इसके काटने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये चींटी मक्खी मच्छर की तरह काटता है, इसको हमारी भाषा में साइलेंट किलर कहते हैं। इसको पकड़ लिया गया, मैं अपने मनीष भाई का धन्यवाद दूंगा, इधर मेरी तरफ तो नहीं आएगा ना, 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 ना। मैं अपने मनीष भाई का धन्यवाद दूंगा जो बराबर मेरे साथ इस काम को अंजाम देते हैं, फोन करते हैं, प्राकृतिक प्रेमी है, इसको बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर इनको पता चलता है कि मेरे बाड़ में सांप है तो ये मेरे को फ़ोन करते हैं, ये भी एक प्राकृतिक का प्रेम है। काफ़ी ख़तरनाक सांप है ये, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एक्टिव रहता है। ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, ये हमारे घर में गैस सिलेंडर, उस पर अधिकतर ये पाया जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, इसकी सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, धन्यवाद। पकड़ लूँ क्या पहले, इस वीडियो के माध्यम से अपने पेले भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पेले भाई को भी लगभग 10:30 बजे के आसपास मैंने फोन किया कि भाई साहब एक हमारे टोंगिया क्षेत्र में सांप किसी के घर में घुस चुका है। मैंने वन विभाग में भी फोन किया लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक वन अधिकारी को मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने अपने
पहले भाई साहब जो हमारे के वार्ड वार्ड से सभासद है 12 नंबर वार्ड से, पहले भाई 12 नंबर से हो ना, 11 नंबर वार्ड से जो हमारे पहले भाई सभासद है उनको कॉल किया। पहले भाई भोजन कर रहे थे उस टाइम, लेकिन मेरे जैसे ही कॉल किया तो उन्होंने एकदम खाना वाना सब छोड़ के कह रहे भाई मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं, और मुश्किल से 10 मिनट भी शायद हो सकता है कि पूरे ना हुए। ट्रेन का हॉर्न बजा था, पहले भाई का फोन आया कि मनीष भाई मैं फाटक के पास हूँ, और जैसे ट्रेन गई और पहले भाई हमारे साथ बीच में खड़े हो चुके हैं। तो आज मैं अपने सारे गांव वालों के माध्यम से, अपने माध्यम से पहले भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो मानव जीवन को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में वन्य जीवों को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पहले भाई को के लिए भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे कि वो सदा हर किसी के जीवन बचाने का प्रयास हमेशा करते रहे। साथियों, 1100 का समय है, लोग कोई एसी में, कोई कूलर में, कोई पंखे नीचे पड़ा होगा, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसकी जान बचाने के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, और उस परिवार की भी जान बचानी होती है जिस परिवार में रहता है, जिस परिवार में पहुंच गया होता है। खतरा बहुत है, देखिए काफ़ी गुस्से में पूरा मुंह पे आ रखा है, अब इसको इसके प्राकृतिक वहाँ छोड़ा जा रहा है, देखिए जा रहा है। सांपों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, इसकी सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें या हमें दें। आप अपना जीवन खतरे में न डालें, आपका जीवन आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।